फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम ऑर्गेनिक ग्रोसरी स्टोर की वेबसाइट को डिजाइन करने वाले हैं प्योर एचटीएमएल एंड सीएसएस का यूज करते हुए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट होने वाली है और इसी सेम वेबसाइट को हम डिजाइन करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो हमारे पास एक सिंपल सा लोगो है। यहाँ पर कुछ नेवबार के ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे होम हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया। इसी प्रकार से आप और भी काफी सारे यहाँ पर ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च बॉक्स दिया गया है जहाँ से आप आइटम्स को सर्च कर सकते हैं। यहाँ से सर्च बटन दी गई है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं, जैसे आप देखते हैं यहाँ पर कैरेट है। यहाँ पर इसका जो प्राइस है यहाँ पर डॉलर में दिया गया है। क्वांटिटी यहाँ पर आपको कितनी चाहिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 जो भी चाहिए, तो यहाँ से आप क्वांटिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, बाय नाउ कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके ऊपर हवर करने पे ये थोड़ा सा ऊपर की साइड को उठ करके आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक फ्रूट्स, उसके बाद लास्ट में आते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास एक फुटर सेक्शन दिया गया है। इसके अंदर यहाँ पर कुछ चीजें ऐड की गई हैं, ये हमारा फुटर वाला सेक्शन होने वाला है। तो इस वेबसाइट के टोटल 3 पार्ट होने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट हमारा हेडर सेक्शन, सेकेंड हमारा कंटेंट सेक्शन एंड जो लास्ट वाला है हमारा फुटर सेक्शन। तो इस पूरी वेबसाइट को हम डिजाइन करने वाले हैं। सबसे पहले अभी के लिए हमारे पास जो index.html की फाइल है बिल्कुल क्या है, ब्लैंक है। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ से index.html फाइल है हमारे पास, style.css फाइल है, और यहाँ पर हमारे पास जितनी भी इमेजेस हैं, जैसे एप्पल की हो गई, बनाना की हो गई, ब्रिंजल, कैरट, कॉलीफ्लावर, इस प्रकार से यहाँ पर ऑरेंज टमाटो, ये सारे के सारे यहाँ पर जितनी भी इमेज है हमने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है इस फोल्डर के अंदर। अब सबसे पहले हम यहाँ पर करने वाले हैं index.html फाइल के अंदर जो हमारा बॉयलर प्लेट कोड होता है इसको जनरेट कर लेते हैं, और यहाँ से टाइटल के अंदर हम देने वाले हैं ऑर्गेनिक, यहाँ पर ग्रोसरी, यहाँ पर नेम दे देंगे स्टोर। ये हमारा हो गया टाइटल। सीएसएस फाइल को लिंक कर लेते हैं, तो लिंक टैग को लेंगे और यहाँ से हम style.css, अपने css फाइल को हमने लिंक कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, अपने बॉडी टैग के अंदर आते हैं और सबसे पहले यहाँ से हम लेने वाले हैं एक हेडर नेम का div, हेडर टैग को लेने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हेडर को हमने ले लिया। अब इस हेडर के अंदर हम एक div लेने वाले हैं जिसको हम क्लास देने वाले हैं नेवबार। यहाँ से हमने इसको क्लास क्या दे दिया, नेवबार नेम की क्लास दे दिया, और इसके अंदर सबसे पहले हम एक और डिव बनाने वाले हैं लोगो नेम का। इसके अंदर हम लोगो को ऐड करने वाले हैं, तो लोगो को हम यहाँ पर सिंपल सा एक स्पैन टैग के अंदर ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया स्पैन टैग, और इस स्पैन टैग के अंदर हम एक पैराग्राफ टैग को लेने वाले हैं, और इसके अंदर जो हमारा लोगो है, लोगो का नेम क्या है हमारा, ऑर्गेनिक, यहाँ से ग्रोसरी स्टोर, यहाँ से हमने नेम दे दिया, और इसे करते हैं सेव। इस पेज को करने वाले हैं रिफ्रेश, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, सिर्फ ऑर्गेनिक ग्रोसरी स्टोर, ये हमारा लोगो है। यहाँ पर टेक्स्ट के रूप में हमने राइट किया हुआ है, तो इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया, राइट कर दिया सिंपल सा। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, ये हमारा लोगो वाला जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर मल्टीपल नेवबार के ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको हम एक नेव टैग के अंदर यहाँ पर डिजाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, इसके अंदर ही हमें हेडर सेक्शन के अंदर ही इसको डिजाइन करना है जो नेवबार वाला सेक्शन है। तो इसके अंदर ही हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ से हम एक लेने वाले हैं जो हमारा नेव टैग है, इसको लेंगे, और इसके अंदर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को लेने वाले हैं, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम लिस्ट आइटम्स को लेने वाले हैं, और इसके अंदर हम एंकर टैग को लेने वाले हैं, और यहाँ से सबसे पहले इसको हम लिंक कर देते हैं होम से, यहाँ से इसका नेम, और यहाँ पर हम देने वाले हैं होम। अब जैसे ही होम पर हम क्लिक करते हैं होम वाले सेक्शन में आ जाएंगे। सेम इसी प्रकार से हम क्या करने वाले हैं, और सभी को क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं कंट्रोल बी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है, वेजिटेबल का होने वाला है, तो यहाँ से हम राइट करने वाले हैं वेजिटेबल्स, और यहाँ पर भी सेम चीज को हम राइट कर देंगे। और इसके बाद थर्ड हमारे पास क्या होने वाला है, फ्रूट्स का ऑप्शन, यहाँ पर हमने टाइप कर दिया फ्रूट्स, सेम चीज को
हम हैश टैग के अंदर भी डाल देंगे और इसे कर देते हैं सेव। और यहाँ से करते हैं पेज को रिफ्रेश। तो यहाँ से होम सेक्शन, ये वेजिटेबल्स, ये फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। ये हमारे नैप बार के ऑप्शंस हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से ये पूरा का पूरा जो हमारा नैप बार है ये क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर एक सर्च बॉक्स आएगा और एक बटन आएगी। तो इस सर्च बॉक्स को भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं। इस नैप बार के जस्ट हम बाहर आएंगे और यहाँ पर हेडर सेक्शन के अंदर ही रहेंगे। यहाँ पर हम एक क्लास लेने वाले हैं सर्च नेम की, और इसके अंदर हम करने वाले हैं सबसे पहले इनपुट एलिमेंट को लेने वाले हैं, और इसका जो टाइप रखने वाले हैं टेक्स्ट रखने वाले हैं, और यहाँ से इसका नेम अगर कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नेम आईडी को हम यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं प्लेस होल्डर, जिसके अंदर हम यहाँ पर डालने वाले हैं सर्च प्रोडक्ट्स, यहाँ से हमने टाइप कर दिया, और इसके बाद इसे भी कर लेते हैं सेव और पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो ये सर्च बॉक्स भी हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक सर्च बटन है, तो इसको हम बटन टैग की हेल्प से क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके जस्ट बाद हम यहाँ पर एक लेने वाले हैं बटन टैग, और इसके अंदर जो हमारी बटन होने वाली है वो सर्च नेम की होने वाली है। तो यहाँ से हमने बटन को भी क्रिएट कर लिया और इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो ये हमारी क्या हो चुकी है, यहाँ पर जो बटन है ये आ चुकी है। अब ये जो हेडर वाला सेक्शन है ये क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से हम कमेंट दे देते हैं हेडर सेक्शन कंप्लीट। अब इसे सेव करते हैं। अब इसके लिए हम CSS को ऐड करने वाले हैं, जो हमारा हेडर सेक्शन है। अब इसके लिए सबसे पहले हम स्टाइल कर लेते हैं, इसके बाद आगे का जो पार्ट है उसको हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले style.css के अंदर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लेने वाले हैं जो हमारा बॉडी टैग है, इसके लिए कुछ स्टाइल कर देते हैं। जैसे जो मार्जिन है इसको हम 0 सेट करने वाले हैं, और जो फॉन्ट फैमिली है यहाँ पर हम एक फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं, यहाँ से एरियल सेंस सेरिफ, इस फॉन्ट फैमिली को हमने यूज़ कर लिया। और इसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आते हैं। ये जो हमारा हेडर वाला पार्ट है, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर हेडर टैग है, इसके लिए स्टाइल करने वाले हैं। सबसे पहले पूरे के पूरे हेडर टैग के लिए यहाँ से हेडर टैग को हमने लिया, और इस हेडर टैग को हमने एक बैकग्राउंड कलर दे दिया हैज 333 लाइट ब्लैक, हमने यहाँ पर कलर दिया हुआ है। पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो ये वाला जो एरिया आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है ये पूरा का पूरा हेडर वाला एरिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम करना है, जितने भी टेक्स्ट हैं इसके अंदर उन सभी का कलर हम व्हाइट कर देते हैं और करते हैं सेव। पेज को करते हैं यहाँ से रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। जो हमारे एंकर टैग के अंदर टेक्स्ट लिखे गए हैं वो अभी के लिए उनका कलर चेंज नहीं हुआ है। इसको हम पैडिंग देने वाले हैं टॉप एंड बॉटम से 15-15 पिक्सल्स के इक्वल, लेफ्ट राइट साइड से 20-20 पिक्सल्स के इक्वल हमने यहाँ पर पैडिंग ऐड कर दी। पेज को करते हैं रिफ्रेश। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आ चुका है टॉप बॉटम से लेफ्ट एंड राइट साइड से। अब इसके बाद जो हमारा नैप बार है इसको हम लेने वाले हैं, यहाँ से जो हमारी क्लास है नैप बार इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, और इसको भी हम स्टाइल करने वाले हैं। इस क्लास को लिया और सबसे पहले इसको हम डिस्प्ले सेट करने वाले हैं फ्लैक्स। अब जैसे ही डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे उस कंडीशन पे ये सारे ऑप्शंस एक सिंगल लाइन के अंदर आ जाएंगे। जैसे हमारा फर्स्ट वाला था हमारा लोगो का, सेकंड था हमारा नैप बार, थर्ड था इसके अंदर जो हमारी सर्च बटन थी, ये तीनों के तीनों क्या हो चुके हैं, एक सिंगल लाइन के अंदर आ चुके हैं। अब इसके बाद हम कर देते हैं जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ से हमने कर दिया स्पेस बिटवीन, इक्वल स्पेस क्रिएट हो जाएगी सभी के बीच में। अलाइन आइटम्स हमने कर दिए सेंटर, सेव करते हैं और पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली क्या हो चुके हैं, ये अपनी अपनी पोजीशन पे आ चुके हैं, लेफ्ट सेंटर राइट साइड ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं। अब सबसे पहले जो हमारा लोगो है यहाँ पर देखते हैं अगर, तो ये हमारा लोगो है, इस लोगो को स्टाइल कर देते हैं। तो लोगो को हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, सबसे पहले इसका जो डिस्प्ले है इसको भी हम सेट करने वाले हैं फ्लैक्स, और इसके बाद हम यहाँ पर जो फ्लैक्स डायरेक्शन है इसको हम सेट कर देते हैं कॉलम, सेव करते हैं और यहाँ से पेज को कर देते हैं
रिफ्रेश। तो ये सारी स्टाइलिंग इसके लिए क्या हो चुकी है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुकी है। ये तो था हमारा सिंपल सा लोगो, ये जो क्लास थी। अब इसके अंदर स्पैन टैग है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, पैराग्राफ है। तो अब डायरेक्टली जो हमारा लोगो है, इसके अंदर जो पैराग्राफ है, इसके अंदर ये टेक्स्ट राइट किया गया है, इसका कलर भी हमें चेंज करना है। तो यहाँ से आ जाते हैं, लोगो क्लास को लेते हैं। इसके अंदर जो हमारा पैराग्राफ है, इसके लिए सबसे पहले जो इसकी मार्जिन है उसको हम सेट कर देते हैं 0, और इसके बाद जो इसका कलर है उसको हम सेट करने वाले हैं ग्रीन सा कलर। तो यहाँ से हैज 4CAF50, यहाँ पर ग्रीन सा कलर हमने एक सेट कर दिया है, और इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका कलर जो है ये ग्रीन कलर हो चुका है। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा हम यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को लेते हैं, 1.2 रेम के इक्वल हमने इसका फॉन्ट साइज यहाँ पर सेट कर दिया, और इस पेज को कर देंगे रिफ्रेश। इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा सा क्या हो गया, यहाँ से इंक्रीज हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर हमारे पास स्नैप बार आता है। स्नैप बार के अंदर जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसको हमें स्टाइल करना है। तो यहाँ से आ जाते हैं, और सबसे पहले हम अपनी नैप टैग को लेते हैं। इसके अंदर जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो लिस्ट है स्टाइल है इसको हमें नन सेट करना है। जो आपको यहाँ पर पॉइंट्स दिख रहे हैं इसको हम नन कर देंगे, तो जितनी भी लिस्ट की स्टाइलिंग थी वो क्या हो चुकी है, यहाँ से रिसेट हो चुकी है। अब इसके बाद सबसे पहले इसको हम सेम लाइन के अंदर ले आएंगे, सभी ऑप्शंस को डिस्प्ले हमने कर दिया यहाँ से फ्लैक्स, और इसके बाद हम करने वाले हैं जो मार्जिन है मार्जिन को सेट कर देते हैं 0, और इसके बाद जो भी पैडिंग है उसको भी हम सेट कर देते हैं 0। ये स्टाइल हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्जिन पैडिंग सब कुछ यहाँ पर क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाद हमारे पास क्या है, लिस्ट आइटम्स हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, हमारा जो नैप बार है इसके अंदर जो हमारे लिस्ट आइटम्स हैं, इसके लिए अब हमें स्टाइलिंग यहाँ पर क्या करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसके लिए सिर्फ हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से हम लेने वाले हैं मार्जिन राइट साइड से ताकि स्पेस आ सके बीच में। तो 20 पिक्सल्स के अराउंड हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, मार्जिन ऐड कर दिया है। अब इस स्पेस को करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर जो स्पेस है बीच बीच में 20 पिक्सल्स के इक्वल यहाँ पर क्या हो गया है, क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर जितने भी हमारे एंकर टैग हैं, अगर आप देखते हैं तो लिस्ट आइटम के बाद हमारे एंकर टैग आते हैं जिसके अंदर टेक्स्ट को राइट किया गया है। तो इसको अब हम सेलेक्ट करने वाले हैं और स्टाइल करने वाले हैं। नैप बार के अंदर जितने भी एंकर टैग हैं, सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन को हम सेट करने वाले हैं नन, जो अंडरलाइन है वो हट जाएगी, और इसके बाद हर एक इंडिविजुअल यहाँ पर जो हमारे एंकर टैग हैं इनका कलर हम सेट करने वाले हैं वाइट कलर FFF, और इसे करते हैं सेव। स्पेस को करते हैं यहाँ से रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं अब ये क्या हो रहे हैं, हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसका फॉन्ट वेट थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करने वाले हैं। फॉन्ट साइज हम सेम रखेंगे 1.2 रेम के इक्वल, जो फॉन्ट साइज हमारे लोगो की है। उसके बाद यहाँ से हम अप्लाई कर देते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को, और इसका हम एक कलर देने वाले हैं, कलर लेंगे 0.3 सेकेंड, और यहाँ पर इज इन आउट, और इसे कर देते हैं सेव। इस पेज को हम कर देते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे नैप बार के अंदर जो भी हमारे यहाँ पर ऑप्शंस थे वो क्या हो चुके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं जैसे ही हमारा ये जो नैप बार है, जैसे इस वेबसाइट को हम देखते हैं इसके ऊपर जब हम हवर कर रहे हैं तो इसका टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हम हवर प्रॉपर्टी को भी अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले नैप बार एंकर टैग के ऊपर जब हम हवर करें उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, जो कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए यहाँ से FFD7, उसके बाद 00 येलो कलर में चेंज हो जाना चाहिए। सेम कलर हम देने वाले हैं, पेज को करते हैं रिफ्रेश। अब जैसे इसके ऊपर हवर कर रहे हैं उस कंडीशन पे ये चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये चेंज कैसे हो रहा है, यहाँ से हमने ट्रांजिशन को ऑलरेडी अप्लाई करके रखा हुआ है कलर पे। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ये फर्स्ट वाला पार्ट हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो सर्च बटन आती है, सर्च बॉक्स आता है, इसको हमें स्टाइल करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्लास दिया हुआ है
सर्च के लिए सर्च नेम की क्लास दिया है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। इसको हम स्टाइल करने वाले हैं। सबसे पहले इसको हमने कर दिया डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ से, और इसके बाद अलाइन आइटम्स हमने कर दिया सेंटर। सेव करते हैं और इस पेज को कर देते हैं यहाँ से रिफ्रेश। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अब इसके अंदर जो हमारा सबसे पहले यहाँ पर इनपुट बटन है यानी इनपुट बॉक्स है, इसके लिए स्टाइल करना है। तो यहाँ से सबसे पहले जो हमारा सर्च बटन है, इसके अंदर जो हमारा इनपुट है एलिमेंट है, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हम पैडिंग दे देते हैं चारों साइड से 8 पिक्सल्स के इक्वल। और इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं पैडिंग के बाद मार्जिन ऐड कर देते हैं राइट साइड से, थोड़ा सा स्पेस आ जाना चाहिए। राइट साइड से स्पेस लाने के लिए अराउंड 10 पिक्सल्स के इक्वल हम स्पेस चाहते हैं, जो हमारी बटन है सर्च की और जो हमारा इनपुट सर्च बॉक्स है उन दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगी। और इसके बाद जो हमारा बॉर्डर है उसको हम सेट करने वाले हैं नन, और इसके बाद बॉर्डर रेडियस हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं कॉर्नर को राउंडेड बनाने के लिए 5 पिक्सल्स के अराउंड, और इसे कर देते हैं सेव। और इस पेज को अब हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप चेंज देख सकते हैं, ये हमारा जो सर्च बटन है यहाँ पर क्या हो चुका है, सर्च बॉक्स क्रिएट हो गया है। सर्च बटन जो है अब इसको स्टाइल करना है तो इसको भी हम स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ से आ जाते हैं सर्च के अंदर, जो हमारा बटन टैग है क्योंकि हमने बटन को बटन टैग के अंदर क्रिएट किया हुआ है, सबसे पहले इसको एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, येलो कलर देने वाले हैं सेम। और इसके बाद नेक्स्ट इसका जो टेक्स्ट का कलर है उसको हम रखने वाले हैं 333 ब्लैक सा। और इसके बाद जो इसका बॉर्डर है उसको हम सेट करने वाले हैं नन। और नेक्स्ट काम हम करने वाले हैं, इसको भी हम दे देते हैं पैडिंग टॉप बॉटम से 8 पिक्सल्स के इक्वल और लेफ्ट एंड राइट साइड से 15 पिक्सल्स के इक्वल। हमने पैडिंग को इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद जो इस पे कर्सर है उसको हम सेट करने वाले हैं पॉइंटर, और यहाँ से इसके ऊपर भी हम ट्रांजिशन को अप्लाई करने वाले हैं। ये किस पर अप्लाई होगी, बैकग्राउंड कलर के ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए। यहाँ से बैकग्राउंड कलर को हमने ले लिया, और इसके बाद 0.3 सेकेंड, और नेक्स्ट हम यहाँ पर देने वाले हैं कैसे होना चाहिए, इज इन आउट, ये चेंज आना चाहिए। इसे करते हैं सेव और इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो ये हमारी जो बटन है ये क्या हो चुकी है, यहाँ पर डिज़ाइन हो चुकी है। अब इसके लिए भी हम यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ से हमने ऐड कर दिया बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स के इक्वल, और इसे करेंगे सेव, पेज को कर देंगे यहाँ से रिफ्रेश। तो ये जो हमारी बटन है ये भी क्या हो चुकी है, यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। सेम तरीके से ये बटन भी हमारी क्या हो गई है, डिज़ाइन हो गई। इस पर क्लिक कर सकते हैं और कुछ भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारी सर्च बटन है इसके ऊपर जब हम हावर करें तो उस कंडीशन पे इसका कलर जो है थोड़ा सा डार्क हो रहा है, येलो कलर ही रहेगा लेकिन वो डार्क हो रहा है, तो उसको भी हम अप्लाई कर देते हैं सर्च बटन। और इसके अंदर जो हमारा बटन टैग है इसके ऊपर जब भी हम हावर करें उस कंडीशन पर क्या होना चाहिए, जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर यहाँ से कैसा होना चाहिए, हैस एफ एफ और यहाँ से डबल टाइम एफ सी 107 डार्क येलो कलर हमने यहाँ से दे दिया है, और इसे कर देते हैं यहाँ से रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं जब हम हवर कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे इसका जो कलर है वो क्या हो रहा है, डार्क हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। सबसे पहले इस पार्ट को हम रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसको हम डिक्रीज करते हैं इसकी विड्थ को। तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं लगभग 312 पिक्सल्स के इक्वल जो हमारी वेबसाइट है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। इतने पे जो हमारी वेबसाइट है इसका जो लेआउट है एक अच्छा लेआउट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तो इतने पे हमने इसको क्या कर रखा है, रिस्पॉन्सिव बना रखा है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिवनेस को ऐड करने वाले हैं। यहाँ से अगर आप देखते हैं कि सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर जो डिस्प्ले फ्लक्स किया गया था ये सभी के सभी एक सिंगल कॉलम के अंदर आ रहे हैं। तो इसको हम यहाँ से मीडिया क्वेरी को ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से लेंगे @, उसके बाद यहाँ से मीडिया, उसके बाद स्क्रीन एंड यहाँ से जब हमारी मैक्सिमम विड्थ जो है यहाँ से 768 पिक्सल्स के इक्वल होती है तो उस कंडीशन पे क्या चेंज आना चाहिए,
इस कंडीशन पे जब से सबसे पहले जो हमारे पास नैब बार है उसके अंदर क्या होना चाहिए, जो इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन है हमारे पास वो कॉलम हो जानी चाहिए, और इसके बाद जो अलाइन आइटम्स हैं वो क्या हो जाने चाहिए, फ्लेक्स स्टार्ट हो जाने चाहिए, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाने चाहिए। सेव करेंगे और इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, ऐसे कोई चेंज नहीं आएगा। राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, तो इस कंडीशन पे जैसे ही जो हमारी विड्थ है 700 यहाँ पर 68 पिक्सल्स के इक्वल होती है, उस कंडीशन पे ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारा नैब बार है, नैब बार के लिए जो हमने टॉप से मार्जिन ऐड किया हुआ है, यहाँ से मार्जिन टॉप दे देते हैं नैब बार को, इसको 10 पिक्सल्स के अराउंड, ताकि थोड़ा सा स्पेस आ सके। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। रिफ्रेश करेंगे, अब थोड़ा सा क्या हो चुका है, स्पेस क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद जो हमारा नैब बार है इसके अंदर जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसके लिए हमें क्या करना है, इसको भी हमें फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पर सेट कर देनी है कॉलम। तो हमने इसको भी क्या सेट कर दिया, यहाँ से कॉलम सेट कर दिया। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस एक सिंगल लाइन के अंदर आ रहे हैं, यानी एक कॉलम के अंदर आ चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारा नैब बार है इसके अंदर जो लिस्ट आइटम्स हैं इन सभी के लिए हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं मार्जिन, जो राइट साइड से हमने दिया था। अब एक सिंगल लाइन में आ चुके हैं तो मार्जिन राइट साइड देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम जीरो सेट कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर हमें मार्जिन देना होगा बॉटम साइड से, ताकि स्पेस आ सके सभी ऑप्शंस के बीच में। 10 पिक्सल्स के अराउंड हमने यहाँ पर बॉटम साइड में, ताकि बीच बीच में स्पेस क्रिएट हो सके, यहाँ पर ऐड कर दिया। अब ये स्पेस क्या हो चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है। अब इसके बाद आती है जो हमारी सर्च बटन है, यहाँ से हम लेने वाले हैं जो हमारा सर्च वाली क्लास है। सबसे पहले इसके लिए भी हम मार्जिन टॉप साइड से ऐड कर देंगे, ताकि थोड़ा स्पेस आ जाए 10 पिक्सल्स के अराउंड, और इसे करते हैं हम सेव। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश, तो ये हमारा जो नैब बार वाला सेक्शन है ये क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और ये पूरी तरह से क्या है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिव है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी डिवाइस के ऊपर अगर आप इसको ओपन करते हैं तो उस कंडीशन पर एक अच्छा लेआउट फॉर्म हो रहा है। यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी वेबसाइट है इसका जो हेडर वाला पार्ट है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट हमें क्या डिज़ाइन करना है, यहाँ से जो हमारा कंटेंट वाला पार्ट है इस पार्ट को हमें क्या करना है, डिज़ाइन करना है। यहाँ पर हमने एक H2 हेडिंग ले रखी है, ये भी एक H2 हेडिंग है। सिर्फ हमें एक ही यहाँ पर ऑप्शंस को, एक ही कार्ड को डिज़ाइन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा सारी चीज़ों का जो कंटेंट होगा वही चेंज होगा, बाकी सारी की सारी चीज़ें क्या होने वाली हैं, सेम होने वाली हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं अब index.html के अंदर, और यहाँ से जो हमारा कंटेंट सेक्शन होता है ये स्टार्ट हो रहा है। कंटेंट सेक्शन क्या हो चुका है, यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अब इसके लिए भी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं और एक कंटेनर लेने वाले हैं। कंटेनर ड्यू को लेंगे यहाँ से डॉट, और इसका हम नेम देने वाले हैं सिंपल सा कंटेनर। ये हमारा हो गया कंटेनर, और इसके अंदर ये पूरा का पूरा कंटेनर होगा, और इसी के अंदर सारे के सारे ऑप्शंस आने वाले हैं। और यहाँ से इसके अंदर हम लेने वाले एक सेक्शन टैग को, और इस सेक्शन टैग के अंदर सबसे पहले हम लेने वाले H2 हेडिंग को। H2 हेडिंग को हम यहाँ पर एक ID दे देते हैं, यहाँ पर हमने एक ID दे दिया। ID क्या दे दिया, यहाँ से विजिटेबल, यहाँ से हमने एक ID दे दिया है। ID हमारी हो गई है वेजिटेबल नेम की, और इसके बाद वेजिटेबल्स कर देते हैं इसको हम। ये जो हमारी हेडिंग है इसके अंदर जो नेम होने वाला है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, यहाँ से हमारी हेडिंग का नेम हो चुका है। इसे सेव करते हैं और इस पेज को करते हैं यहाँ से रिफ्रेश। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सेम तरीके से जो हमारी हेडिंग है यहाँ पर क्रिएट होकर के आ चुकी है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स नेम की। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर एक और क्लास को हम लेने वाले हैं कैटेगरी नेम की। यहाँ से कैटेगरी नेम की हमने एक नेक्स्ट क्लास को ले लिया, नेक्स्ट ड्यू को क्रिएट कर लिया, और इसके अंदर सबसे पहला हम फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि जो हमारा वेजिटेबल फर्स्ट है उसको हम ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट नेम की क्लास बनाते हैं। तो यहाँ से हमने एक प्रोडक्ट नेम का ड्यू ले लिया, और इसके बाद इसी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है उसको हम ऐड करने वाले हैं। तो एक और क्लास नेम हम लेने वाले हैं यहाँ से इमेज प्लेस होल्डर,
और इसके बाद इसी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक और क्लास यहाँ पर लेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारे पास क्या होने वाली है, इमेज प्लेस होल्डर। यहाँ पर वन नेम से हमने एक और क्लास नेम ले लिया। इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि अलग अलग स्टाइल हमें देना होगा इस वजह से। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इमेज को ऐड करने वाले हैं। इमेज प्लेस होल्डर यानी कि ये इमेज को कंटेन करके रखेगा। यहाँ से इमेज टैग को हम लेंगे और सोर्स के अंदर हम क्या पास करने वाले हैं, जो हमारा कैरेट है यानी जो गाजर है उसकी इमेज को हमें सबसे पहले चाहिए। तो यहाँ से हमने इस इमेज को ले लिया, इसे करते हैं सेव और इस स्पेस को करने वाले हैं रिफ्रेश। तो यहाँ से जो हमारी इमेज है अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइट एंड विड्थ है, इसको अभी के लिए हम ऐसे ही रहने देते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट पार्ट हमारे पास अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इसका जो नेम है एक S3 हेडिंग के अंदर इसको रखा गया है, तो इस नेम को हम लेने वाले हैं। तो इसके बाहर आते हैं, जो हमारा इमेज कंटेनर है यहाँ से S3 हेडिंग को लेते हैं और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, अपनी इमेज जो है उसका नेम ऐड कर देंगे कैरेट। और इसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ टैग को लेते हैं। इस पैराग्राफ टैग को हम एक क्लास दे देते हैं, यहाँ से हमने एक क्लास दे दिया प्राइज नेम का। इसके अंदर इसका प्राइस हम स्टोर करते हैं, तो यहाँ से डॉलर में डॉलर का सिंबल लेंगे, 1.99 डॉलर का ये होगा और 1 kg यानी 1 किलो का जो प्राइस है वो इतना है यहाँ पे, इसको हमने दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर क्वांटिटी भी रखने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर नेम होगा, फिर उसका यहाँ पर क्या है प्राइस है, उसके बाद इसकी क्वांटिटी है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास दो बटन है ऐड टू कार्ट की बाय नाउ की। तो इन सभी ऑप्शंस को हम ऐड करने वाले हैं। अब यहाँ पर थर्ड हम लेने वाले हैं QTY क्वांटिटी। नेम का हमने एक क्लास बना लिया और ये एक डिव ले लिया और इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर लेने वाले हैं लेबल टैग को। इस लेबल टैग के अंदर हम फॉर एट्रीब्यूट के अंदर डालने वाले हैं क्वांटिटी वेजिटेबल 1 इस प्रकार से कर दिया। और इसके बाद यहाँ पर हम डालने वाले हैं क्वांटिटी ये हो गया क्वांटिटी और ये हमारा लेबल हो गया क्लोज। इसे सेव करते हैं और इसको हम करते हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम छोटा करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर ऐड हो रही हैं अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पर ये नेम आया हुआ है, ये प्राइस आया हुआ है, ये क्वांटिटी आया हुआ है। अब इस क्वांटिटी को भी हमें क्रिएट करना है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। इसके लिए अब हम लेने वाले हैं यहाँ पर सबसे पहले एक इनपुट एलिमेंट और इस इनपुट एलिमेंट का जो टाइप रखने वाले हैं हम नंबर रखेंगे। और नंबर के बाद यहाँ से इसको हम आईडी देने वाले हैं। आईडी क्या होगी, जो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर हमने डाला हुआ है क्वांटिटी वेजिटेबल 1। और इसका जो नेम होने वाला है, इस नेम को अभी के लिए हम यहाँ से हटाने वाले हैं, नेम को नहीं रखेंगे। इसकी जगह पर हम पास करने वाले हैं वैल्यू, यहाँ से एक वैल्यू हमें चाहिए। वैल्यू क्या पास होनी चाहिए, वैल्यू 1 पास होनी चाहिए। और इसे करते हैं हम यहाँ से सेव। सेव करने के बाद इस स्पेस को कर देते हैं यहाँ से रिफ्रेश। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो चुकी हैं, ऐड हो चुकी हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास अब बटन है, तो इन बटन्स को भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और इसके बाद ये वाला पार्ट जो है हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ये जो इनपुट वाला था हमारा क्वांटिटी वाला, अब इसके बाद हम नेक्स्ट काम क्या करने वाले हैं, यहाँ से क्वांटिटी लेना है, इसको हमें क्यों करना है क्वांटिटी, और इसको अब हम यहाँ से क्लोज करते हैं और यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लेने वाले हैं प्रोडक्ट बटन। यहाँ से हमने लिया BTNS प्रोडक्ट बटन्स, इस नेम की हमने क्लास बना ली और इसके अंदर हम बटन को ऐड करने वाले हैं। बटन टैग लेंगे, सबसे पहली बटन होने वाली है एड टू कार्ट। इसके बाद नेक्स्ट बटन हमारे पास क्या होने वाली है, यहाँ से बाय नाउ की, यहाँ से हमने कर लिया बाय नाउ और इसे कर देते हैं सेव, स्पेस को कर देते हैं रिफ्रेश। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो चुकी हैं, इम्प्लीमेंट हो करके आ चुकी हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका टाइप जो रखा है, हमने नंबर रखा है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो क्वांटिटी है इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं और इसके बाद इसी प्रकार से हमें क्या करना है, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस को क्रिएट करना है। सेम इसी प्रकार से टमाटो के लिए, कॉलीफ्लावर के लिए, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ से नेक्स्ट सेक्शन जो है ऑर्गेनिक फ्रूट्स का, इसको भी हमें डिज़ाइन करना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट करने वाले हैं।
यहाँ से जितना एरिया, यहाँ से जहाँ से वेजिटेबल वन था, इतने पार्ट को आपको क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। और कहाँ तक का पार्ट कॉपी करना है, जो हमारा बटन है, इसके बाद यहाँ पर डबल टाइम से जो हमारा डिव क्लोज किया गया है, यहाँ तक का पार्ट हमें करना है कॉपी, कंट्रोल सी। और इसके बाद हमें यहाँ पर इंटर करना है और यहाँ पर इसको कर देना है पेस्ट, कंट्रोल बी। ये वेजिटेबल सेकेंड हमारे पास होने वाला है। सारी चीज़ें यहाँ पर क्या होने वाली है, सेम होने वाली हैं। सबसे पहले जो इसकी इमेज है, इसको हमें चेंज करना है। नेक्स्ट इमेज हमारे पास किसकी है, इसको हम रखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टमाटो की, तो टमाटो हमने यहाँ पर जो हमारी इमेज है उसको हमने यहाँ पर ले लिया है। और यहाँ से इसका नेम चेंज करेंगे, सबसे पहले टोमेटो। और इसके बाद हमें क्या करना है, जो इसका प्राइस है, इसको क्या कर देना है, अपडेट कर देना है। प्राइस हम इसका अपडेट करने वाले हैं 1.49, ये हमने अपडेट कर दिया। और इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्या चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, और कुछ भी हमें नहीं चेंज करना है। यहाँ से जो इसकी वैल्यू है, वैल्यू को 1 ही रखना है। और इसे करते हैं सेव, और स्पेस को कर देते हैं रिफ्रेश। तो नेक्स्ट वाली इमेज भी हमारे पास आ चुकी है और सारी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। अब सेम इसी प्रकार से थर्ड वाला जो पार्ट है उसको भी हमें क्या कर लेना है, क्रिएट कर लेना है। तो सेम चीज़ को हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, और इसको भी हम फिर से कर देंगे यहाँ से पेस्ट। तो ये हमारा थर्ड वाला वेजिटेबल होने वाला है। थर्ड हमारे पास क्या है यहाँ पर, कॉलीफ्लावर। तो इसका हम नेम चेंज कर देंगे यहाँ से कॉलीफ्लावर। इमेज हमारी चेंज हो गई और इसका नेम भी हम चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ से नेम हमारे पास क्या होने वाला है, कॉलीफ्लावर। और इसे करते हैं सेव। इसका जो प्राइस है इसको भी हम कर देते हैं अपडेट। तो यहाँ से इसका जो भी प्राइस है इसको हम अपडेट करके यहाँ पर रख देने वाले हैं 2.99 पर किलोग्राम। और इसे करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ से आप देख सकते हैं थर्ड वाली भी यहाँ पर आ चुकी है। और इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट सेक्शन को डिज़ाइन करना है, जो कि ऑर्गेनिक फ्रूट का है। ऑर्गेनिक फ्रूट्स का जो सेक्शन है इसको हमें डिज़ाइन करना है। अब ये सेक्शन जो है हमारा, ये क्या हो चुका है, यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो फ्रूट्स वाला सेक्शन है उसको डिज़ाइन करना है। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए हम इस पार्ट को यहीं पर छोड़ देते हैं, और ये क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से आना है नेक्स्ट वाला सेक्शन जो है उसको हमें कर लेना है यहाँ से डिज़ाइन। तो इसके लिए सेक्शन टैग तक ही हमें रखना है, जो कंटेनर है इसी कंटेनर के अंदर ही हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है, डिज़ाइन होने वाला है। तो यहाँ पर हम एक कमेंट देने वाले हैं, कमेंट हमारे पास क्या होने वाली है, यहाँ से हम दे देते हैं सेक्शन स्टार्ट। और इसके बाद हम यहाँ पर लेने वाले हैं एक सेक्शन टैग को, इस सेक्शन टैग को हमने ले लिया यहाँ से। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सभी चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमें लेना है, तो इस पूरे पार्ट को हम कर सकते हैं यहाँ से कॉपी पेस्ट, जो हमारा सेक्शन टैग है। सेक्शन टैग से सभी चीज़ों को हम यहाँ से उठाने वाले हैं, जितना भी पार्ट है हमारे पास, ये सेक्शन एंड तक का, इसको हम कर लेते हैं कॉपी कंट्रोल सी से। इस सेक्शन को यहाँ से हटाएंगे क्योंकि सेक्शन को हमने कॉपी कर लिया है। इंटर करते हैं और यहाँ पर हम कर देंगे इसको पेस्ट, और इसे करते हैं सेव। सेव करने के बाद अभी के लिए पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ से सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, कैरेट, टमाटो, कॉलीफ्लावर। तो इसकी जगह पर हमें क्या करना है, सबसे पहले जो इमेज है यहाँ से आते हैं, फ्रूट सेक्शन स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले इसका नेम हमें चेंज करना है। अब जहां पर वेजिटेबल्स है यहां पर हम करने वाले हैं इसको फ्रूट्स, फ्रूट्स कर दिया। और इसके बाद ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की जगह हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक फ्रूट्स। इस प्रकार से हमने इसका जो नेम है इसको हमने कर दिया है चेंज। पेज को करते हैं रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये वाला पार्ट था यहाँ पर क्या हो चुका है, ऑर्गेनिक फ्रूट्स आ चुका है। अब फर्स्ट इमेज को हमें चेंज करना है, और इसकी जो प्राइस है उसको हमें क्या करना है, अपडेट करना है। अब इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें क्या होने वाली हैं, यहाँ पर सेम ही रहेंगी। तो इसके बाद हम यहाँ पर करने वाले हैं, और ये जो चीज़ें हैं इसको हमें क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। यानी कि जो यहाँ पर प्लेस होल्डर 1 है इसको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके हमें क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आ जाते हैं, इसको हम अपडेट कर देते हैं। ये फर्स्ट हो गया हमारे पास वेजिटेबल 1 हो गया, इस प्रकार से वेजिटेबल 2, तो इसको हम कर देंगे यहाँ पर 2। इसी प्रकार से ये थर्ड हो जाएगा हमारे पास, तो इसको हम कर देंगे थर्ड। और इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये हमारे पास हो जाएगा फोर्थ नंबर,
और इसके बाद ये वाला हो जाएगा हमारे पास 5 नंबर, और ये लास्ट है हमारे पास जो कि हो जाएगा 6 नंबर, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फ्रूट्स नंबर 3rd हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से ये हमारे पास होने वाला है फ्रूट्स नंबर 2nd, और ये हो जाएगा 1st, और इसे करेंगे सेव। सेव करने के बाद पेज को कर देंगे यहाँ से रिफ्रेश। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। अब सबसे पहले एक एक करके हमें इमेज को चेंज करना है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, सबसे पहले एप्पल की है, इसका जो प्राइस है 2.49 है, और यहाँ पर आप देखते हैं बनाना है 0.99, और इसके बाद यहाँ पर 0.79 ऑरेंज का है। तो सबसे पहले हम सभी को चेंज कर देते हैं। तो फर्स्ट के लिए हमें क्या करना है, जहाँ पर कैरेट है यहाँ पर हम लेने वाले हैं एप्पल की इमेज, और यहाँ पर इसका नेम भी हम चेंज कर देंगे एप्पल, और यहाँ पर जो इसका प्राइस है इसको हम अपडेट कर देंगे 2.49 हमने कर दिया अपडेट करके, और इसे कर देंगे सेव। इस पेज को कर देंगे यहाँ से रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं इसकी जगह एप्पल आ चुका है। सेम इसी प्रकार से और भी चीज़ों को हमें अपडेट करना होगा। नेक्स्ट फ्रूट्स के पास हम आते हैं, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है बनाना। तो यहाँ से हम लेने वाले हैं जो हमारे बनाना की इमेज है, इसको हमने ले लिया, इसका भी नेम हम चेंज कर देंगे बनाना कर दिया, और जो इसका प्राइस है इसको भी हम अपडेट करने वाले हैं यहाँ से। इसका प्राइस होने वाला है डॉलर में 0.99, और इसे करते हैं सेव। यहाँ से पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो नेक्स्ट इमेज हमारे पास बनाना की आ चुकी है। अब लास्ट हमारे पास बचती है, लास्ट इमेज हमारे पास किसकी होनी चाहिए, यहाँ पर आ जाते हैं, और जो हमारा 6 नंबर वाला है ये होनी चाहिए ऑरेंज की। यहाँ से हमने ऑरेंज को ले लिया, और यहाँ से इसका नेम हम चेंज कर देंगे ऑरेंज, और इसका जो प्राइस है इसको हम अपडेट कर देंगे। अपडेट करके इसका प्राइस अगर हम चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से चेक कर सकते हैं 0.79। तो हमने इसका प्राइस रख दिया 0.79 डॉलर, और इसे करेंगे सेव, और इस पेज को कर देते हैं हम रिफ्रेश। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। यानी कि जो भी इमेजेस, यानी जो हमें कार्ड बनाना था वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिर्फ इसके लिए सीएसएस को इम्प्लीमेंट करना है, सीएसएस को क्या करना है, ऐड करना है। तो अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सीएसएस को यहाँ से ऐड करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा पार्ट है फ्रूट्स वाला, इसको डिजाइन करना, इससे पहले हम जो वेजिटेबल्स का पार्ट है इसको, एक पार्ट को हम डिजाइन कर लेंगे, ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्या हो जाएंगी, डिजाइन हो जाएंगी। इससे पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ें और अपडेट करने वाले हैं, जैसे इसकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी को हम अपडेट कर देते हैं एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पर हमारा कंटेंट सेक्शन है, इसके अंदर जो फर्स्ट वाला वेजिटेबल है इसकी जो क्वांटिटी 1 रखी गई है, उसके बाद सेकंड वेजिटेबल है तो इसकी क्वांटिटी यहाँ पर क्या होने वाली है, 2 होने वाली है। सेम आईडी में भी हमें चेंज करना होगा। इसी प्रकार से 3rd वाले के अंदर हमें क्या करना होगा, 3 करना होगा। तो यहाँ से आ जाते हैं, 3 कर दिया हमने लेबल के लिए भी और इनपुट एलिमेंट के लिए भी। और इसी प्रकार से जो हमारा फ्रूट्स सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटी जो वेजिटेबल्स है इसको हमें चेंज करना होगा। इसको चेंज करके हमें क्या रखना होगा, यहाँ पर फ्रूट्स रखना होगा। तो यहाँ से हम इसको चेंज करने वाले हैं सबसे पहले। तो यहाँ से हमने चेंज कर दिया फ्रूट्स 1 कर दिया, और इस सेम चीज़ को हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर कर दिया पेस्ट। उसके बाद अब सेकंड के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर, और सेकंड के लिए हमें यहाँ पर आना होगा, इसको हम कर देते हैं यहाँ पर भी पेस्ट, यहाँ पर भी पेस्ट, और यहाँ पर इसकी क्वांटिटी नंबर 2, ये भी नंबर 2 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 3rd वाले के पास आते हैं, कंट्रोल बी, और यहाँ से भी हम इसको कर देंगे 3, और इसे भी करने वाले हम यहाँ से 3, और इसे कर देते हैं सेव, और स्पेस को कर देते हैं यहाँ से रिफ्रेश। अब हम स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं, style.css पे आते हैं, और सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको स्टाइल करना है। स्टाइल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो हमारा कंटेनर है, यहाँ पर आ जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, सबसे पहला यहाँ पर कंटेनर है, जिसके अंदर जो हमारे सेक्शन है वो कंटेन किए गए हैं। इसको हमने कॉपी किया कंटेनर क्लास को, और यहाँ से जो हमारा सबसे पहले कंटेंट सेक्शन स्टार्ट हो गया यहाँ से, और यहाँ पर हमने कर दिया पेस्ट।
सबसे पहले कंट्रोल जेड डॉट कंट्रोल वी, जो हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम ग्रिड का यूज़ करने वाले हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमने सेट कर दिया ग्रिड, और इस पेज को करते हैं रिफ्रेश, तो अभी के लिए कोई चेंज नहीं आया। और यहाँ पर आ जाते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर करने वाले हैं गैप, थोड़ा सा गैप हम चाहते हैं 1 rem के इक्वल, और यहाँ पर मिनिमम हाइट को हम सेट करने वाले हैं 100 bh, और इसे कर देते हैं सेव। इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। अभी के लिए आपको पता नहीं चल रहा है तो इसको हम एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कंटेनर कौन सा है। लाइम कलर हमने दे दिया, और यहाँ से पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ से अभी के लिए हमने यहाँ पर पेज को कर दिया है रिफ्रेश। तो यहाँ पर सिर्फ इतने पार्ट को ही क्या मिल रहा है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो सिर्फ इतना ही पार्ट कंटेनर के अंदर आ रहा है, लेकिन ये पूरे की पूरी चीज़ें कंटेनर के अंदर ही आएंगी। तो अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं, और ये हमारा है कंटेनर। अब इस कंटेनर के बाद हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर सबसे पहले इस कंटेनर के बाद सेक्शन के अंदर हमारे पास H2 हेडिंग आती है। तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं सबसे पहले जो हमारी H2 हेडिंग है। इस H2 हेडिंग को हमने किस लिए सेलेक्ट किया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर मार्जिन देने वाले हैं, बिल्कुल साइड में जा रही है। तो यहाँ पर हम दे देते हैं मार्जिन लेफ्ट साइड से 12 पिक्सल्स के इक्वल, और इसे कर देते हैं सेव, और इस स्पेस को करते हैं रिफ्रेश। ये थोड़ा सा क्या हो चुका है, यहाँ पर स्पेस आ चुका है लेफ्ट साइड से। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट क्लास है हमारे पास यहाँ पर कैटेगरी की। इस कैटेगरी क्लास को हम यहाँ से कर लेते हैं सेलेक्ट, और यहाँ पर करते हैं पेस्ट। और इसके लिए भी सबसे पहले हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी को सेट करने वाले हैं ग्रिड, और इसके बाद हम करने वाले हैं यूज़ ग्रिड टेम्पलेट यहाँ पर कॉलम्स का। ग्रिड टेम्पलेट्स कॉलम्स प्रॉपर्टी को लेंगे, और यहाँ से हम रिपीट फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं। इसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर हमने पास कर दिया ऑटोफिल का, यहाँ से ऑटोफिल, और इसके बाद हम यहाँ पर मिन मैक्स विड्थ के लिए यूज़ करने वाले हैं 450 pixels, और उसके बाद 1 fr, और इसे करते हैं सेव। इस को हम करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, ग्रिड लेआउट में यहाँ पर फॉर्म हो रही हैं। अब इसके लिए हम यहाँ पर देना चाहते हैं ग्रिड गैप, तो यहाँ से गैप प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, सिर्फ ग्रिड गैप नहीं करेंगे, यहाँ से सिर्फ गैप प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। 1 rem के इक्वल हमने गैप सेट कर दिया, और इस पेज को कर देंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पर गैप भी क्या हो गया है, इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब इसके बाद आ जाते हैं हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, स्टाइल करना है। प्रोडक्ट को हमने यहाँ से कॉपी किया जो हमारी प्रोडक्ट क्लास थी, और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट डॉट कंट्रोल वी। और इसके लिए सबसे पहले इसको हम देने वाले हैं एक पोजीशन, पोजीशन देते हैं रिलेटिव, और इसके बाद हम इसको मैक्सिमम हाइट सेट करने वाले हैं। मैक्सिमम हाइट को हमने यहाँ से सेट कर दिया ऑटो, और इसके बाद नेक्स्ट काम हम यहाँ पर करने वाले हैं, इसको हम देने वाले हैं एक बॉर्डर यहाँ से। तो हम बॉर्डर प्रॉपर्टी को लेंगे, 1 pixel के इक्वल बॉर्डर सॉलिड होना चाहिए, और इसका कलर हैज DDD, ये इसका कलर होना चाहिए, ग्रे सा कलर या फिर लाइट सा ही कलर रहेगा। रिफ्रेश करेंगे तो हर एक इंडिविजुअल यहाँ पर जो कार्ट थे सभी के लिए क्या हो चुका है, बॉर्डर ऐड हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, सारी चीज़ें इधर उधर क्यों दिख रही हैं, क्योंकि अभी के लिए जो इमेज है उसके लिए कोई उसकी हाइट एंड विड्थ नहीं सेट की गई है, इसी वजह से। अब इसके लिए हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं सबसे पहले पैडिंग, पैडिंग को हमने सेट कर दिया 15 pixels के इक्वल यहाँ से चारों साइड से। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, चारों साइड से पैडिंग क्या हो गई, इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब नेक्स्ट काम हम यहाँ पर करने वाले हैं पैडिंग के बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है, इसको हम कर देते हैं यहाँ से सेंटर, और डिस्प्ले हम करने वाले हैं फ्लैक्स, फ्लैक्स डायरेक्शन को हम यहाँ पर रखने वाले हैं कॉलम, और इसके बाद लाइन हाइट को हम यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा 1.5 rem के इक्वल लाइन हाइट, इसको हम यहाँ से हटाएंगे, लाइन हाइट हमें चाहिए, यहाँ से हमने यूज़ किया लाइन हाइट 1.5 pixels के इक्वल। और इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पर ट्रांजिशन को अप्लाई कर देते हैं। ट्रांजिशन किस पे अप्लाई होनी चाहिए, जो हमारा बॉक्स शैडो है,
बॉक्स सेडो पर ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड, टाइमिंग सेम है। आरजीबी ए कलर को हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ से, ये हमारा आरजीबी ए कलर होगा और इसको हम 0.0.0 ब्लैक कलर सेट करेंगे। इसकी ओपेसिटी 0.1 सेट कर देंगे और इसे कर देते हैं सेव और इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए आपको ज़्यादा चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर जैसे ही हम यहाँ पर हवर करते हैं तो उस कंडीशन पे आपको कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। तो इस हवर इफेक्ट को सबसे पहले हम ऐड कर देते हैं जो हमारा प्रोडक्ट है, या फिर सबसे पहले हम अपनी इमेज को सेट कर लेते हैं। तो जो हमारी इमेज है यहाँ पर, इसके लिए सबसे पहले इसकी मैक्सिमम विड्थ को हम सेट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चले 100% के इक्वल। और इसके बाद नेक्स्ट काम हम करने वाले हैं इसकी जो हाइट है, हाइट को हम सेट करेंगे 200 पिक्सल्स के अराउंड और इसे करते हैं सेव, इस पेज को करते हैं यहाँ से रिफ्रेश। अब इसकी हाइट एंड विड्थ मिल चुकी है, सारी चीज़ें अब आपको अच्छे से यहाँ पर क्या हो रही हैं, डिस्प्ले हो रही हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं ऑब्जेक्ट फिट, तो जो थोड़ा भी बाहर की साइड जा रहा है इसको हम कर देते हैं यहाँ से फिल, नहीं बाहर जाएगा कुछ भी नहीं होगा, ऑब्जेक्ट फिट यानी कि पूरे को क्या कर लेगा यहाँ से फिल कर लेगा। नेक्स्ट काम हम यहाँ पर करने वाले हैं जो ओवरफ्लो होगा, बाहर की साइड में कोई डेटा नहीं जाएगा, उसको हम कर देते हैं हिडन, जाएगा भी तो आपको डिस्प्ले नहीं होगा। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया है, जो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है उसको हमने हिडन सेट कर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम यहाँ पर हम करने वाले हैं, इसके लिए भी हम अप्लाई कर देते हैं ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं 0.3 सेकेंड और कैसा होना चाहिए, इज इन आउट, और थोड़ा सा स्पेस चाहिए मैं बॉटम साइड से, तो मार्जिन हम बॉटम ऐड करने वाले हैं 1 रेम के इक्वल, इसे करते हैं सेव और स्पेस को करते हैं यहाँ से रिफ्रेश। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो चुका है, स्पेस आ चुका है। अब इसके बाद यहाँ से मार्जिन ऐड किया हमने थोड़ा सा, तो ये जो भी कंटेंट था ये थोड़ा सा क्या हो चुका है, जो इमेज थी उससे थोड़ा सा नीचे की साइड में आ चुका है। अब यहाँ पर आ जाते हैं और सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट है, अब हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर जब हम हवर करें तो उस कंडीशन पे क्या चेंज आना चाहिए हवर करने पे, तो इसको हम अप्लाई कर देते हैं बॉक्स शैडो पर चेंज आना चाहिए। इस पर हमने ट्रांजिशन को अप्लाई कर रखा है तो 0, उसके बाद ये होगा 4 पिक्सल्स के इक्वल, 8 पिक्सल्स के इक्वल, और इसके बाद हम चाहते हैं RGBA, इसको हम कलर सेट कर देंगे सेम, और इसके बाद हम जो कर्सर है उसको हम सेट कर देंगे पॉइंटर, इसे करते हैं सेव। अभी के लिए हवर करने पर कोई चेंज नहीं आ रहा, रिफ्रेश करेंगे अब हवर करने पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी जो है वो आपको यहाँ पर क्या हो रही है, शो हो रही है। इसको हम 100% पे रखते हैं तो कुछ इस प्रकार से जो हमारा कंटेंट है वो क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद इसके अंदर जो भी यहाँ पर कंटेंट है इन सभी को स्टाइल करना है, तो इसके लिए हम आ जाते हैं इमेज। अब इमेज के बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमारी इमेज है वो तो स्टाइल हो चुकी है, लेकिन अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर जो हमारी बटन्स हैं उसको स्टाइल करना। सबसे पहले हम चाहते हैं इमेज पर भी हवर करें तो इमेज भी थोड़ा सा क्या होनी चाहिए, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है ऐसी होनी चाहिए, लेकिन अभी के लिए सिर्फ बॉक्स पे चेंज आ रहा है, इमेज पे नहीं आ रहा है। तो इमेज पे भी हम हवर इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट के ऊपर जब हम हवर कर रहे हैं और इसके बाद जो हमारी इमेज है हम चाहते हैं इस पर क्या होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म होना चाहिए ये स्केल 1.05, थोड़ा सा स्केल होना चाहिए। रिफ्रेश करेंगे स्पेस को तो यहाँ से अब क्या हो रहा है, ये स्केल हो रहा है, आप देख सकते हैं ऊपर की साइड को थोड़ा सा क्या हो रहा है, ये उठ करके आ रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं। अब जितनी भी बटन्स हैं, ये हमारा प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट के बाद यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये हमारी इमेज के लिए डिज़ाइन हो चुका है, लेकिन अब इसके बाद हमारे पास क्या है, बटन्स हैं, उन सभी को अभी हमें स्टाइल करना होगा। तो यहाँ पर अब आएंगे style.css के अंदर और इसके बाद हम स्टाइल करने वाले हैं अपनी प्रोडक्ट बटन्स को। तो यहाँ से ले लेंगे सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट बटन्स हैं, इसको हमने कॉपी किया यहाँ से और इसे करते हैं पेस्ट। इसके अंदर जो हमारी क्या है बटन है उसको हम स्टाइल करने वाले हैं। सबसे पहले जो भी बटन है इसके लिए हम मार्जिन ऐड करने वाले हैं टॉप साइड से, 1 रेम के इक्वल हमने मार्जिन ऐड कर दिया, सेव करते हैं
और यहाँ पर ये जो बटन्स हैं टॉप से इसको मार्जिन मिल चुकी है, थोड़ा सा क्या हो चुका है स्पेस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इन सभी को एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ से ग्रीन सा कलर दे दिया सेम। और उसके बाद जो इसका टेक्स्ट कलर है उसको हम सेट करने वाले हैं FFF के इक्वल वाइट कलर। जो कर्सर होगा उसको हम सेट कर देंगे पॉइंटर, और इसे करेंगे सेव, पेज को कर देंगे रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं ये सारा चेंज यहाँ पर क्या हो रहा है, आ रहा है। अब इसके बाद कर्सर के बाद हम यहाँ पर आने वाले हैं जो बॉर्डर है उसको हम सेट कर देंगे नन। नेक्स्ट यहाँ पर पैडिंग दे देते हैं थोड़ा सा, पैडिंग टॉप बॉटम से 10-10 पिक्सल्स के इक्वल, लेफ्ट राइट साइड से 15-15 पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग ऐड कर दिया। उसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट हम कर देते हैं सेंटर यहाँ से। और उसके बाद जो टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी है उसको हम सेट कर देंगे नन। डिस्प्ले हम सेट करने वाले हैं यहाँ से, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को लेंगे। इनलाइन ब्लॉक सेट करने वाले हैं, और इसके बाद इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पर होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो इनलाइन ब्लॉक हैं ये सारे। रिफ्रेश करते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, स्टाइल हो गई हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को लेंगे, 16 पिक्सल्स के इक्वल फॉन्ट साइज हमने दे दिया। और इसके बाद हम ऐड करने वाले हैं बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स के इक्वल ऐड कर दिया हमने। और इसके बाद सेव करते हैं और इसे करते हैं रिफ्रेश। तो ये चीज़ें आपको चेंज होकर यहाँ पर क्या हो रही हैं, डिस्प्ले हो रही हैं। अभी के लिए इस पर हवर करने पे इसका कलर भी चेंज हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हवर इफेक्ट को भी हम ऐड करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं ट्रांजिशन थोड़ा सा, इस पर अप्लाई होगा जो हमारा बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड कलर के ऊपर जब हम हवर करेंगे तब ये अप्लाई होगा, 0.3 सेकेंड का होना चाहिए। उसके बाद इज इन आउट सेम चीज़ें होनी चाहिए। और इसके बाद हम थोड़ा सा मार्जिन बॉटम भी ऐड करने वाले हैं, बॉटम साइड से थोड़ा सा स्पेस आना चाहिए। तो मार्जिन बॉटम 1 rem के इक्वल, और इसे कर देते हैं सेव, और स्पेस को कर देते हैं यहाँ से रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जैसे हम बटन्स के ऊपर हवर करें उस कंडीशन पर चेंज आना चाहिए। प्रोडक्ट्स बटन्स जो क्लास है हमारी, इसके ऊपर जो हमारी बटन है, जब भी हम इसके ऊपर हवर करें उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, जो बैकग्राउंड कलर है वो डार्क वाला हो जाना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर ये डार्क कलर है यहाँ से FF, इसे करते हैं सेव, इसे करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही हवर कर रहे हैं उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड का जो कलर है ये क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब इसके बाद जो क्वांटिटी है यहाँ पर, इसका भी कलर हमने यहाँ पर चेंज किया हुआ है। आप देख सकते हैं बॉक्स का कलर यहाँ पर चेंज हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले जो ये क्वांटिटी क्लास है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, पेस्ट करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम कर देते हैं इसको डिस्प्ले यहाँ से फ्लैक्स। उसके बाद अलाइन आइटम्स हम करने वाले हैं सेंटर। और इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट हम कर देते हैं यहाँ से सेंटर, और इसे करते हैं सेव। सेव करने के बाद स्पेस को कर देते हैं यहाँ से रिफ्रेश। तो ये वाला हमारा पेज है, तो इसको हमने रिफ्रेश किया तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आएंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट काम हमारे पास आता है वो है क्वांटिटी के अंदर जो हमारे पास इनपुट एलिमेंट है। इसके लिए सबसे पहले स्टाइल यहाँ पर ऐड करना है इनपुट एलिमेंट्स, तभी इसका कलर चेंज होगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से अपनी क्वांटिटी को लेने वाले, सबसे पहले क्वांटिटी क्लास, और इसके अंदर जो हमारा इनपुट एलिमेंट है इसके लिए सबसे पहले इसको हम एक विड्थ सेट कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा विड्थ मिल रही है, 30 पिक्सल्स के अराउंड इसकी विड्थ सेट कर दिया। और इसके लिए जो बॉर्डर रेडियस है इसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं यहाँ से 0.1 rem के इक्वल, थोड़ा सा बिल्कुल राउंड होना चाहिए। और इसके बाद हम ऐड करने वाले हैं एक बॉर्डर 0.1 rem के इक्वल। और इसके बाद ये कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। इसका जो कलर है उसको हम चेंज कर देंगे ग्रीन में। और इसके बाद नेक्स्ट काम करने वाले इस पर भी हम ट्रांजिशन को अप्लाई कर देते हैं। तो ट्रांजिशन को हमने यहाँ से क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया है किस पर, यहाँ पर जो हमारा बॉर्डर कलर है इसके ऊपर ये वर्क करेगा, बॉर्डर कलर के ऊपर।
0.3 सेकेंड का, और ये भी कैसा होना चाहिए, इज इन आउट होना चाहिए। इसे करते हैं सेव और इस स्पेस को करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो क्वांटिटी है इसकी, जो विड्थ है ये कम हो चुकी है, और यहाँ से आप नंबर को इंक्रीज एंड डिक्रीज भी कर सकते हैं। बॉर्डर कलर भी इसका क्या हो गया है, चेंज हो चुका है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो ये प्राइस है, इसका जो कलर है ये भी क्या है, चेंज है। तो इसको भी हमें चेंज करना होगा। इसके लिए हमने यहाँ पर एक क्लास दिया हुआ है प्राइस नेम की, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, पेस्ट कर देते हैं। और इसके लिए हम क्या करने वाले, सबसे पहले इसका जो कलर है, कलर को हम सेट करने वाले हैं डार्क येलो, और इसके बाद हम इसका जो फॉन्ट का साइज है उसको भी हम सेट करने वाले हैं। यहाँ पर फॉन्ट साइज वैसे इंक्रीज नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ हम इसको थोड़ा सा इसका फॉन्ट वेट देना चाहते हैं। फॉन्ट वेट हमने 600 सेट कर दिया, और इसके बाद इसका जो मार्जिन है उसको हम 0.0 सेट कर देंगे यहाँ से, और स्पेस को कर देंगे यहाँ से रिफ्रेश। तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी हो गया है, और यहाँ पर क्या हो चुका है, ये जो प्राइस है यहाँ पर क्या हो चुका है, इसका जो कलर है ये चेंज हो करके आ चुका है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं जो क्वांटिटी है, जो इसके साथ में यहाँ पर लेबल एलिमेंट है और यहाँ पर इनपुट एलिमेंट है, ये काफ़ी ऊपर की साइड में जा रहा है, स्पेस नहीं है। तो इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से आ जाते हैं सबसे पहले क्वांटिटी को, और इसके अंदर जो हमारा इनपुट एलिमेंट है, और इसके बाद क्वांटिटी के अंदर ही हमारे पास क्या है, जो हमारा लेबल एलिमेंट है। इन दोनों के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मार्जिन ऐड कर देना है। कहाँ से मार्जिन सिर्फ लेने वाले हैं, यहाँ से मार्जिन को हम ले लेते हैं, मार्जिन प्रॉपर्टी को, और इस मार्जिन को टॉप से बॉटम से 0.0 पिक्सल्स के इक्वल, लेफ्ट राइट साइड से 10.10 पिक्सल्स के इक्वल हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, और स्पेस को कर देते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट साइड से इसको क्या मिल चुकी है, यहाँ पर मार्जिन जो है वो क्या हो गई है, यहाँ पर मिल करके आ गई है। लेकिन यहाँ पर जो मार्जिन है इसको थोड़ा सा बॉटम साइड से भी मिलनी चाहिए। तो इसके लिए हम मार्जिन जो हमारा प्राइस है इसके लिए हम सेट कर देते हैं। तो यहाँ से मार्जिन हम टॉप बॉटम से हमने 0.0 सेट किया हुआ है। अगर हम इसको कुछ भी नहीं सेट करते हैं तो उस कंडीशन पे क्या होता है, यहाँ पर बिल्कुल सारी चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इस वजह से ये जो मार्जिन है इसको हम बिल्कुल हटा देते हैं, यहाँ से कोई भी मार्जिन हमें नहीं देनी है, और स्पेस को कर देते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या हैं, सेम इम्प्लीमेंट की गई हैं यहाँ से, और ये सेम चीज़ें क्या हो रही हैं, यहाँ पर भी आ रही हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन दे ही देते हैं। सबसे पहले मार्जिन टॉप एंड बॉटम से हम इसको देने वाले अराउंड 5 पिक्सल्स के इक्वल, लेफ्ट एंड राइट साइड से 0 पिक्सल्स के इक्वल इसको मार्जिन ऐड कर देते हैं। पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ से मार्जिन क्या हो गई है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है। टॉप एंड बॉटम से इसको 5 ना दे करके यहाँ से हम करने वाले हैं मार्जिन अराउंड 10 पिक्सल्स के इक्वल, और स्पेस को कर देते हैं रिफ्रेश। अब ये बिल्कुल क्या हो गया है, करेक्ट हो चुका है। एक बार मैच कर लेते हैं, अब सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमारे पास क्या बचता है, ये तो हमने मार्जिन यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर, और हमारे पास क्या है, अब जो हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट के बाद हमारे पास एक S3 हेडिंग है जिसमें हमने नेम दिया हुआ है। इसके लिए हम स्टाइल इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले हम लेने वाले हैं अपने प्रोडक्ट क्लास को, प्राइस नहीं लेना है हमें, यहाँ से प्रोडक्ट क्लास को, और इसके अंदर हमारे पास जो S3 हेडिंग है इसके लिए हम स्टाइल करने वाले हैं। इसकी जो मार्जिन है इसको हम 0.0 सेट कर देते हैं अभी के लिए, और इसे कर देते हैं सेव और स्पेस को कर देते हैं रिफ्रेश। जैसे ही मैंने यहाँ पर इसकी जो भी मार्जिन है उसको 0.0 सेट किया, उस कंडीशन पे ये सारा चेंज आपको देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आएंगे और चारों साइड से इसको हम मार्जिन दे देते हैं टॉप एंड बॉटम से, जो हमारा प्राइस है। रिफ्रेश करेंगे, कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें इसकी मार्जिन को हटाना नहीं है यहाँ से, सबसे पहला काम। तो यहाँ से हम इसके लिए मार्जिन को ऐड ही नहीं करने वाले हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, और इसे करते हैं सेव और स्पेस को कर देते हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं जो हमारी इमेज है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये हमारी क्या है, इमेज।
इमेज प्लेस होल्डर, यहाँ पर हमने एक क्लास दिया हुआ था, इसको हम कॉपी करते हैं इमेज प्लेस होल्डर क्लास को और इसे हम कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हमने एक विड्थ दे दिया, विड्थ हमने यहाँ पर दे दिया 100% के इक्वल, और इसके बाद हम देने वाले हैं इसको एक हाइट, हाइट हमने दे दिया 200 पिक्सल के इक्वल, और इसके बाद हम देने वाले हैं इसको मार्जिन बॉटम साइड से, बॉटम साइड से 1 rem के इक्वल हमने इसको एक मार्जिन दे दी, और इसके बाद जो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है इसको हम करने वाले हैं हिडन, पोजीशन हम इसको दे देते हैं यहाँ से रिलेटिव, और इसके बाद हम जो कर्सर सेट करने वाले हैं पॉइंटर सेट कर देंगे, और इसके लिए भी हम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ से ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को, ट्रांजिशन को हम करने वाले हैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म, यहाँ से हम कर देंगे ट्रांसफॉर्म, और ये कैसे होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं 0.3 सेकेंड, और इज इन आउट होगा ये, और इसे करते हैं सेव। सेव करने के बाद पेज को हम कर देते हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए यहाँ पर आपको कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ें कब वर्क करनी चाहिए। यहाँ से हम चाहते हैं जो हमारा इमेज प्लेस होल्डर है, जैसे हम इसके ऊपर हवर करें उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, जो ट्रांसफॉर्म है ये प्रॉपर्टी वर्क करनी चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, स्केल होना चाहिए 1.05, यहाँ पर ये ऊपर की साइड में उठ करके आना चाहिए, जैसे इसके ऊपर हवर करते हैं तो ये बॉक्स ऊपर की साइड में आ रहा है, सेम ऐसे यहाँ पर भी चेंज आना चाहिए। तो इसको हम करेंगे रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं ये चेंज यहाँ पर अब देखने को आपको मिल रहा है, जैसे हम इसके ऊपर ऑप्शंस के ऊपर हवर कर रहे हैं उस कंडीशन पे ये सारा का सारा चेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, हवर इफेक्ट को हमने ऐड कर दिया है, अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ से अगर आप देखते हैं इन सभी के लिए हमने यहाँ पर जो क्वांटिटी है इसको हमने चेंज करके क्यों रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो आईडी है, जो फॉर एट्रीब्यूट है, ये क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, इसलिए हमने इसको चेंज करके रखा हुआ है। अब लास्ट पार्ट हमारे पास क्या आता है, ये पूरा का पूरा जो वेबसाइट है डिज़ाइन हो चुका है, लेकिन अभी हमारे पास क्या है यहाँ पर लास्ट में, जो हमारा फुटर वाला सेक्शन है इसको डिज़ाइन करना है, तो इसको भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो अपने फुटर वाले सेक्शन को हम डिज़ाइन करने चलते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा फुटर सेक्शन है इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं एक फुटर टैग को, यहाँ पर आएंगे सबसे पहले बिल्कुल बॉटम में, और यहाँ से जो हमारा सेक्शन है क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इस ड्यू को भी हम यहाँ से हटाएंगे, जो कंटेनर ड्यू था हमारा, और यहाँ पर आने वाला है हमारा फुटर सेक्शन, और इसके लिए यूज़ कर लेते हैं हम सबसे पहले फुटर टैग का, और इस फुटर टैग के अंदर हम एक पैराग्राफ को लेने वाले हैं और एट द रेट यहाँ पर लगाएंगे 2024, यहाँ से ग्रोसरी स्टोर, यहाँ से हमने दे दिया ग्रोसरी स्टोर, और इसको हमने स्टॉप किया, और यहाँ से अगर हम देखते हैं और क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, तो सेम चीज़ों को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सिंपल सा इसको हमने कॉपी कर लिया, और यहाँ पर आ जाते हैं, हमने कर दिया पेस्ट, ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, यहाँ से पेस्ट हो चुकी हैं, इसको कर लेते हैं सेव, और यहाँ से पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो लास्ट में हमारे पास फुटर वाला सेक्शन ऐड हो चुका है, इसको अब हमें क्या करना है, सिर्फ स्टाइल करना है, अब इसको स्टाइल कर देते हैं, उसके बाद हमारी वेबसाइट क्या हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और फुटर सेक्शन को हम स्टाइल करने वाले हैं, और इसके लिए सबसे पहले हम फुटर टैग को लेने वाले, इसके अंदर जो पैराग्राफ है इसके लिए जो इसकी मार्जिन है उसको हम 0 सेट कर देंगे, और यहाँ से इसका जो फॉन्ट का साइज है उसको हम थोड़ा सा डिक्रीज करने वाले हैं 0.9 rem के इक्वल, और इसके बाद इसे हम कर देते हैं सेव, और यहाँ से इसको हम कर देते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो फुटर वाला सेक्शन है इसके लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट तो हो चुकी हैं, ये सिर्फ पैराग्राफ के लिए हुई हैं। अब सबसे पहले जो हमारा फुटर है इसको हम स्टाइल कर लेते हैं फुटर को, तो यहाँ से फुटर के लिए सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हैस, उसके बाद 333 सेम बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया, और इसका जो टेक्स्ट कलर है इसको हम देने वाले हैं यहाँ से FFF के इक्वल वाइट कलर देंगे, उसके बाद जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है सेंटर में आना चाहिए तो इसको हमने कर दिया यहाँ से सेंटर, और इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर इसके लिए ऐड करने वाले हैं पैडिंग 10 pixels के इक्वल, चारों साइड से पैडिंग ऐड हो जानी चाहिए, उसके बाद इसे हम दे देते हैं एक पोजिशन, पोजिशन हम देने वाले हैं रिलेटिव, और इसे करते हैं सेव, पेज को कर देते हैं यहाँ से रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन हो चुकी हैं।
अब पोजीशन देने के बाद बॉटम से हम इसको करने वाले हैं बिल्कुल जीरो। तो यहाँ से हम बॉटम को लेंगे, बॉटम से हमने सेट कर दिया जीरो, वो नहीं करना है हमें, जीरो करना है। तो यहाँ से हमने जीरो सेट कर दिया और उसके बाद जो इसकी विड्थ है, विड्थ को हमने सेट कर दिया ऑटो। और इसके बाद यहाँ से हम ऐड करने वाले हैं पैडिंग, 1 रैम के इक्वल होनी चाहिए और 0 रैम के इक्वल सेट होनी चाहिए। और इसे करेंगे सेव और इस पेज को कर देते हैं यहाँ से रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट क्या हो चुका है, फुटर वाला सेक्शन हमारे पास डिज़ाइन होकर के आ चुका है। अब इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, इसको देखते हैं। जैसे इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ से डिवाइस मोड को ऑफ कर देते हैं, उस कंडीशन पे यह जो हमारी वेबसाइट है ये पूरी तरीके से क्या है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिव है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो फुटर वाला सेक्शन है ये भी रिस्पॉन्सिव है। इसको हम चेक करते हैं इंस्पेक्ट करके, यहाँ से चेक करेंगे तो ये कंटेंट वाला सेक्शन तो हमारा जो है ये रिस्पॉन्सिव है, लेकिन ये फुटर वाला सेक्शन इसको थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिव हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और इसके लिए भी हम रिस्पॉन्सिवनेस को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से यूज़ करने वाले हैं सेम चीज़ को जो हमारी मीडिया क्वेरी थी, उसको हम लेने वाले हैं यहाँ से। तो यहाँ से इसको हम कर लेते हैं कॉपी और बिल्कुल बॉटम में आ जाते हैं यहाँ से, और यहाँ पर कर देते हैं हम पेस्ट। और इसके अंदर हमें क्या करना है, मीडिया क्वेरी जो हमारा फुटर है, यहाँ से फुटर के लिए हमें क्या करना होगा, जो इसका फॉन्ट साइज है सिर्फ इसी को हमें कम कर देना होगा थोड़ा सा, 0.8 रैम के इक्वल कर देना है। हमने 0.9 रैम सेट किया था, 0.8 रैम कर दिया। और यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से इसका जो फॉन्ट का साइज़ है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा है फुटर और इस फुटर के लिए हमने सेट कर दिया इसका फॉन्ट साइज़, इसे कर लेंगे सेव और इसे कर देंगे रिफ्रेश। तो इसका फॉन्ट साइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो चुका है, डिक्रीज़ हो चुका है। तो इस प्रकार से जो हमारी ऑर्गेनिक ग्रोसरी यहाँ पर स्टोर की वेबसाइट थी ये क्या हो चुकी है, डिज़ाइन हो चुकी है। होम पर क्लिक करेंगे तो होम पर ही है, वेजिटेबल्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से वेजिटेबल्स पे जाना चाहिए, फ्रूट्स पर क्लिक करते हैं तो फ्रूट्स ऑप्शंस पे हमें ले जाना चाहिए। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पर होम पर क्लिक करते हैं तो होम पर जा रहे हैं लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से हमने क्या किया था, इसको लिंक किया था। तो इसके लिए हम देखने वाले हैं यहाँ से, सबसे पहले ये हमारा होम होने वाला है और ये होने वाला है हमारा वेजिटेबल, और इसका जो एफ है इसको भी हम स्मॉल कर देते हैं, फ्रूट्स कर देते हैं और इसे कर लेते हैं सेव, स्पेस को कर देते हैं रिफ्रेश। होम पर क्लिक करेंगे, वेजिटेबल्स पर क्लिक करेंगे तो वेजिटेबल्स पे आ रहा है। इसका जो यहाँ पर लेटर था उसको हमने जब हैशटैग के अंदर पास किया था तो इसको हमने कैपिटल कर दिया था, इसको स्मॉल रखना है आपको। और यहाँ से अब हम फ्रूट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये फ्रूट्स के ऊपर आ रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारी वेबसाइट है एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, पूरी तरह से क्या हो चुकी है, डिज़ाइन हो चुकी है। क्वांटिटी इंक्रीज करना है तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, बाय नाउ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर और भी ऑप्शन आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।